दोस्तों, अगर आप भी किसी वीडियो या फोटो का वाटरमार्क रिमूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना। किसी भी फोटो या वीडियो का वाटरमार्क रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक एप्लीकेशन की, जिसका नाम मैं आगे चलकर इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ओपन करते हैं अपना ऐप जिसमें हम वाटरमार्क रिमूव करेंगे। ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको इस ऐड को यहाँ से क्लोज कर देना है और वो इमेज या वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें से आप वाटरमार्क रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं कोई वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक कर देना है आपको, फिर जो भी वीडियो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर ली है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर वाटरमार्क लगा हुआ है। तो आपको नॉर्मली इसे उतना छोटा कर देना है जितना बड़ा आपका वाटरमार्क हो, इसे ले जाके वाटरमार्क पे रख देना है और फिर यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। देख सकते हो फ्रेंड्स ये सेव हो चुका है। चलिए मैं इसे गैलरी में ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों इसका वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हो दोस्तों इसका वाटरमार्क पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। जो पहली वाली वीडियो थी वो ये रही जिसमें वाटरमार्क लगा हुआ है। तो दोस्तों जिस ऐप का हमने यूज़ किया है इस वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए, उस एप्लीकेशन का नाम है रिमूव एंड ऐड वाटरमार्क। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक थी ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और इसी तरह की और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।